ये सब कुछ ऑटोमेटिक कर लेगा। और देखते रहिए, इसको कनेक्ट करने, सबसे ज़्यादा दोस्तों को दिक्कत कनेक्ट करने में आती है मोबाइल को। तो ये कुछ ऐसे होगा, देख सकते हैं हमारे यहाँ पर से रिसेटिंग डन हो चुकी। तो कुछ इस टाइप से आप लोग का चलेगा, और थोड़ी देर में देख सकते हैं यूजर डेटा फॉर्मेट, और यहाँ पर से डन हो चुका है। और यहाँ पर से हमारे टूल रुक गया, यानी कि हमारे यहाँ पर से FRP पैटर्न लॉक हट चुका है। और FRP के लिए आपको अगर बाई चांस FRP मांगता है और एक बार में नहीं हटता, तो उसके लिए भी आप लोग को मोबाइल ऑफ करके रिसेट FRP पर क्लिक करेंगे, मोबाइल कनेक्ट कर देंगे, आपका मोबाइल यहाँ पर से FRP रिमूव हो जाएगा। तो अभी मैं एक बार मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ। तो जो लोग अभी सिर्फ इस मेथड को देखने के लिए आए हैं, वो लोग जा सकते हैं वीडियो से, और मैं अभी ये पूरी वीडियो बताऊंगा कि इसमें आप लोग कैसे इस सेट को ऑन करेंगे, पूरा वीडियो देख सकते हैं। और जो लोगों को सिर्फ अनलॉक करना था, वो लोग लॉक करके जा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा मोबाइल यहाँ पर से ऑन हो रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है दोस्तों, अगर आप लोग भी टूल लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले UMT Pro ले लीजिए। देख सकते हैं हमारे यहाँ पर से ये हो चुका। अब इसमें एक दिक्कत ये आती है, ये वाली दिक्कत आती है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन फेल। इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर रिसेट कर देना है मोबाइल को। अब आप लोग जब इस मोबाइल को रिसेट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी एरर आती है दोस्तों, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें एक एरर आएगा और देख सकते हैं हमारा मोबाइल अभी रिकवरी मोड में जा रहा है। रिकवरी मोड में जाने के बाद में आपको क्या करना है, मोबाइल को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने में भी कुछ लोगों के मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी डिस्प्ले बड़ी कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। तो अभी हमारा मोबाइल यहाँ पर से ऑन हो रहा है, और इसको हम लोग पूरा ऑन होने देते, देख सकते हैं डेटा केवल कनेक्ट नहीं है। तो ये आएगा दोस्तों, इसमें सिंपली आपको करना क्या है, वाइप डेटा पर क्लिक करना है। और वाइप डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये देखिए अभी वाइप डेटा यहाँ पर से तो क्लिक हो रहा है, लेकिन आगे जाकर ये रुक जाएगा, कुछ सेट में दिक्कत है। तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहे। देख सकते हैं यहाँ पर वाइप डेटा फेल, ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इसके लिए आपको करना है क्या है, सिंपली बैक चले जाना है और सिस्टम रिबूट कर देना है और मोबाइल को ऑन हो जाने देना है। देख सकते हैं अभी हमारा मोबाइल यहाँ पर से ऑन होगा। तो अभी आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, और जो लोग आधे वीडियो में चले गए हैं, फिर वो बाद में कमेंट करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो आप लोग फिर वो प्रॉब्लम में फंसते हैं। इसलिए कभी भी वीडियो आप लोग पूरा देखें, उसके बाद में आप लोग को समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। और भी किसी भी सेट के बारे में कुछ भी जानकारी दोस्तों, आप लोग कुछ भी सवाल सुझाव हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो अभी थोड़ी देर में ये सेट हमारा ऑन होता है, देख लेते हैं अभी क्या ऑन होता है नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर वीवो, तो सब कुछ ठीक है यहाँ पर अभी तक। तो चलिए देखते हैं, तो फिर ये देख सकते हैं अभी भी हमारा सेट ऑन हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, और अभी डिस्प्ले की लाइट ऑफ हो जाएगी, तो देखते रहिए आप लोग अभी क्या होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले और हमें ऐसी वीडियो बनाने का और भी चांस मिले। तो देख सकते हैं अभी हमारा मोबाइल यहाँ पर से ऑन हो रहा है, बस अभी थोड़ा ही टाइम बचा है दोस्तों, इसमें बस ऑन ही होने वाला है, थोड़ी देखते रहिए यहाँ पर।
देख सकते हैं यहाँ पर से मोबाइल रुक चुका है दोस्तों, ये हैंग ऑन लोगो हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बैक पैनल हटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसका बैक पैनल हटा लेता हूँ। और इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत है दोस्तों इन साइड में, को आप लोग को बैक पैनल ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको जो पावर का देख सकते हैं, तो अगर बाय चांस आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगों पर ही रहता, अभी मैंने ऐसा किया तो हो गया, अगर नहीं होता तो पावर का बटन आपको हटा के फिर से लगा देना है, उसके बाद में आपका यहाँ पर से ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पर स्किप का आ रहा है, बाई चांस अगर आपका स्किप नहीं आएगा तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि आप लोग यहाँ पर जाएंगे, मोबाइल को पावर ऑफ करेंगे और उसके बाद में रिसेट एफआरपी पर क्लिक कर देंगे तो उससे हो जाएगा।